ये मार्केट से लाया हुआ आधा केजी लाल चौलाई का साग है। तो ये इस तरह से पॉलिथीन में आया था, तो इसको अब छाटना देखेंगे। जल्दी करने के लिए एक एक पत्ता को उठा के इस तरह से सिर को सामने रख के एक मुट्ठा रेडी करेंगे, और फिर रेडी करने के बाद काटेंगे। इसी तरह से तरह से साग को पहले छाट लेंगे अच्छे से, एक एक उसका डंठल निकाल के। इसमें मिट्टी रहता है, घास रहता है, तो इन सब के कारण एक एक को हटा हटा के इसको छाटना जरूरी होता है। चाहे तो इस तरह से इसको हाथ से भी एक एक करके तोड़ सकते हैं, लेकिन जब इस तरह का ज़्यादा मोटा होता है तो वो हाथ से नहीं टूट पाता है, लेकिन नहीं टूट पा रहे, इसका रेशा निकलने लगता है, तो इसलिए चाकू का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। उठाएंगे तो इसको इस तरह से झाड़ना रहता है, ताकि जो भी घास ये सब लगा रहे एक डंठल के साथ वो साथ में ना आए। तो इस तरह से उसको झटका दे के उठाना है, और फिर
तुरंत मार्केट से लाया हुआ अभी का साग है, और मेरे यहाँ का सब्जी मार्केट बगल में है, और ये सब किसान से ही लाया हुआ रहता है। इन लोग का खुद आसपास इसी एरिया में खेत भी है, तो ये बिल्कुल ताज़ा साग है। और साग सब को ताज़ा में ही छांट लेने से सही रहता है, तो फिर मुरझा जाने पे इसमें काफ़ी दिक्कत होता है। और ये देखिए, आधा केजी में इतना हम लोग का घास और ये जड़ ये सब आया है, तो और ये मेरा इतना साफ हो गया है। बाल्टी में पानी डाल लेंगे, ये साफ बाल्टी है, इसको हम किचन के लिए यूज़ करते हैं, ये वॉशिंग में यूज़ नहीं होता है। तो पानी भर लिए, और ये छाँट के रखा हुआ लाल चौलाई का साग है, और इसको इसमें डाल देंगे। ये साग तो इसी तरह बनाता है, नहीं तो साग काफ़ी इसमें नीचे बालू ये सब रहता है, तो इसको अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए मिलाते हुए, देखिए कितना काला हो गया है पानी, अब इसको इसमें निकाल लेंगे। सारा निकाल लिए पानी से छान के, और ये जो गंदा पानी है इस साग से निकला हुआ, इसको डालेंगे। फिर अंदर में ना मिट्टी जमा रहा था, जिसको गोल घुमा की तरह से फेंक लें, नहीं तो फिर दोबारा से वही चिपकते रहेगा। और फिर पानी भरे और ये साग को डाल दें, इसी तरह से 3 बार 4 बार करके साग को धो लेंगे, जिससे पूरा गारंटी रहे कि ये इसमें मिट्टी बालू ये सब का टेस्ट नहीं आए। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, तो इसकी बिल्कुल नहीं करना है। ऊपर मिला देंगे, नीचे छिड़कर उसे उसको नीचे इस तरह से छाटे करके फिर नल बंद करेंगे, और फिर साग को इसमें छान के निकाल लेंगे। ये देखिए, पहले से इस बार का पानी साफ है, लेकिन इसको एक बार दो बार और करेंगे। ये पानी गंदा का मतलब है कि साग में पानी साग में चल गंदा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को रिपीट करना ज़रूरी होता है। और फिर बाल्टी में पानी भर दिए और इस साग को डाल दिए इसमें। नीचे किए ऊपर वाले को नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे मिलाएंगे, फिर नल बंद कर दिए। आधा बाल्टी भी परेशानी हो गया, और मेरा साग इस बार साफ हो चुका है, क्योंकि इसका पानी इस बार साफ है, तो मेरा 3 बार में हो गया है। अगर आपका अभी भी गंदा पानी आए, तो फिर एक बार और प्रोसेस कर लें। और इस धोने के टाइम में अगर पानी लाल आता है तो घबराने का बात नहीं है, ये साग का कलर है, तो वो गंदा नहीं है। गंदा पानी मतलब काला या मिट्टी जैसा कलर आता है, तो वो पानी को काला बोलते हैं। ये देखिए, मेरा इस साग के कलर में पानी आ गया, मतलब साग साफ हो गया। अब पानी
छन में रख देंगे और इधर काटने का तैयारी करेंगे। तो इसके लिए काटने के लिए नाइफ लेंगे और इसको बहुत बारीक काटने का ज़रूरत नहीं होता है, ये काफ़ी सॉफ्ट साग होता है। और इसको थोड़ा थोड़ा लेके काटते जाएंगे, देखिए काट लीजिए। और पहले दूध से कट लगा दिए और फिर वहीं से इसको फोल्ड करके कस के दबाए। और ये देखिए बिल्कुल जैसे स्लाइस काटते हैं उस तरह से इसको बारीक चाकू से कर लेना है, क्योंकि एक बार इस तरह से करने से खीरा की तरह नहीं कटता है, तो इसलिए दोनों साइड में और फिर सेंटर में इस तरह से करते हुए इसको साग को काटना है। और पतला पतला ही लेने का कोशिश करें, क्योंकि डबल बार फिर कटा हुआ तो चलाना सही नहीं होता है, एक बार में ही काटने की कोशिश करें। और जो मोटा वाला रहता है डंठा उसको भी ले लें, उसको भी फेंके नहीं, ये साग काफ़ी सॉफ्ट होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है। इसी तरह से और ये कटा हुआ को एक दूसरे बर्तन में रख लेंगे। देखिए इसमें इसको रख लिए और ये सब जो बड़ा डंठल है तो कोई बात नहीं, ये सब सारा पकाने पे सीज जाता है। ये देखिए दो बार में हम इसको पूरा काट लेंगे और फिर देखिए इसको पकड़ लिए, इसको लंबाई में रख लिए, इसमें देखिए बीच से कट लगा दिए और फिर यहाँ से इसको फोल्ड करके इसको आगे घसका लिए। इस तरीका से काटिएगा, काफ़ी आराम रहता है। और देखिए पहले सेंटर में किए और फिर साइड से बारीक लेना है, क्योंकि रफली पकड़े हैं तो आगे पीछे होता है, और इस तरह में अगर मोटाई में काटिएगा तो काफ़ी बड़ा बड़ा निकलता है, तो काटते टाइम ये बात का ध्यान रखिए। तो ये हम लोग का साग करके तैयार हो गया है। अब इसको बनाने के लिए चलेंगे। इस कटा हुआ को इसमें डाल लेते हैं। इन सबको एक ही में डाल लेंगे और ये देखिए आधा के जी साग ये कट के तैयार हो गया है। अब इसको बनाने चलेंगे। तो बनाने के लिए साफ कढ़ाई ले ली, कढ़ाई को फ्लेम पे रख दिए हैं और ये देखिए फ्लेम है हाई, ऐसे कढ़ाई रख दिए हैं। और इसमें सरसों तेल, ये हल्दी पाउडर और नमक इस्तेमाल करेंगे। और फ़ौरन के लिए ये लहसुन को छीलकर और ये हरा मिर्च को बारीक काट लेंगे। तो फ़ौरन के लिए जीरा बारीक कटा, हरा मिर्च, लहसुन और ये सूखा मिर्च है, इसका फ़ौरन लगाएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें देखिए तेल डालेंगे। ये साग ज़्यादा है लेकिन उसके बाद एक चौथा हिस्सा ही बन के बचता है, तो ये देखिए ये काफ़ी है इतना। इसको मिनिमम तेल मसाला में बना रहे हैं
वो जब अगर ज़्यादा डला जाता हो तो इस तरह से करे तो इससे ज़्यादा नहीं डलाता है। और ये अब हो गया है तो मेरा गरम, एक बार इसको चला लेंगे। इसमें डाल दिए और ये डाल के इसमें एकदम से साग डाल दिए कटा हुआ, और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और वन चौथाई ये साग रखेगा, तो यही ध्यान में रखता ही नमक डालना है, बाद में कम ज़्यादा होने के डाल सकते हैं। और बनने के बाद नमक का ज़रूरत पड़े तो काला नमक का इस्तेमाल करने से टेस्ट और बढ़ जाता है, तो जो नॉर्मल नमक है वो भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। और ये सबको मिला देंगे, इसके लिए कड़ाही मोटा तल वाला ही लें क्योंकि साग जलने लगता है बिना सीधे सके। और इसको मिक्स कर दिए और इसको ढककर इसको अब एक बार चला के देख लेंगे। इसको उसी टाइम ढक दिया गया था और ये साग तैयार है, इसको देख रहे हैं। देखिए इतना सब पानी छोड़ दिया है, बेस काफ़ी कम हो गया है, तो बस इसको चला देंगे और फिर दोबारा से इसको ढक देंगे। इसमें हल्दी बिल्कुल नाम मात्र ही देना है, कलर चेंज करने के लिए नहीं है। और नमक चौथाई हिस्सा बचने के हिसाब से ही देना है ताकि नमकीन हो जाने पे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो फिर दोबारा से इसको थोड़ा देर के बाद देखेंगे, प्लेट हटा के देखेंगे। पकाना होता है, ये साग सूख गया। ये हम लोग का भुंजा के साग रेडी हो गया है, ये आधा केजी बनने के बाद इतना बचा है। चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसको इसको इसके बाद और एक बनाने का तरीका है। यहाँ पे जो जीरा फ़ौरन में यूज हुआ है स्टार्टिंग में, उसकी जगह पे चेंज करके अपने टेस्ट को देखते हैं, ये काला सरसों या फिर ये अजवाइन भी यूज में ले सकते हैं, या जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगता हो। और अगर साग को काटने में दिक्कत होता हो तो इसको छाटने और धोने के बाद इसको साबुत ही डाल दें, और उसके बाद ये मैसर से आग पे ही मैस करते हुए उसको पानी सूखने तक उसको पकाए। लेकिन ऐसे काट के देने में वो ज़्यादा अच्छा से भुनाते हुए सिसता है और इसमें थोड़ा फ्लेवर हो सकता है चेंज हो, तो ये अपने सुविधा के अनुसार और टेस्ट के हिसाब से देख लें। बाद में अगर नमक का इस्तेमाल करना है तो काला नमक इस्तेमाल में ले, इससे फ्लेवर ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अब इसका तैयार करेंगे, तो इसके लिए जो अभी खाएंगे उसके लिए इसमें निकाल लिए प्लेट में, देखते हैं इसको कैसे तैयार करेंगे। दोनों तरह से खा सकते हैं, चाहे तो इसको भी खा सकते हैं, जो भी रेट इस तरह से भी करते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो इसमें प्याज डाल दिए, बारीक कटा हरा मिर्च, ये नींबू का रस और एक चम्मच के आसपास ये सरसों तेल डाल के मिला लेंगे। और ये हमारा खाने के लिए साग रेडी है। ये दो टाइप से इसको खा सकते हैं, आपको जो पसंद हो उस तरह से आप बना के खाएं, दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं।